दोस्तों मार्केट डेली में हम लोग देखेंगे कि 27 मार्च को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप अगर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोला हूं और स्टॉक ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली वीकली और टेक्निकल से जो वीडियो रहते हैं वो देखिए आप टेक्निकल से सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि 27 मार्च को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग यहां से देखते कि निफ्टी यहाँ पे 323 पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी है 1132। तो यहाँ पे एज थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही रह गया। और यहाँ पे मैं लेवल के बारे में बताऊंगा। आज जैसे कि मार्केट का एक्सपायरी था तो एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग होता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर भी आता है। तो मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव तो आ जाएगा लेकिन मैं कंफर्म पॉजिटिव मार्केट या फिर थोड़ा जो हमको एक कन्फर्म लगेगा वो लगेगा 8898 के ऊपर। यहाँ पे हमको मार्केट जो है कि कन्फर्म रहेगा। आज जैसे कि फिर से जो FM जो है उन्होंने एक स्टिमुलेट पैकेज लाया तो मार्केट का जो ये था ब्रेथ थोड़ा पॉजिटिव भी था और वर्ल्ड मार्केट थोड़े कवर हो रहे हैं तो अपने लिए अच्छी बात है। अच्छा हुआ कि मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया। हम लोग यही चाहते हैं कि मार्केट 7500 का आसपास वाला जो लो है वो ब्रेक करके और नीचे ना जाए। जितना भी मार्केट पॉजिटिविटी दिखाएगा और जो एक वायरस का ये उतना कम हो जाएगा वो अच्छा है। दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट करें कि ऑनलाइन का क्लास शुरू करो तो अभी जैसे कि लॉकडाउन है वो टाइम पे मैं अभी हमारा जो ऑनलाइन का क्लास शुरू कर रहा हूँ उसके डिटेल मैंने आपको यहाँ पे मैं देता हूँ। तो यहाँ पे आई बटन में या फिर आप मेरे चैनल पे यहाँ पे देखो कि ऑनलाइन क्लास के बारे में मैंने वीडियो बनाया वो देख लीजिए। और आने वाले सैटरडे पे मैंने एक फ्री जो कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक वेबिनार रखा है तो वो वेबिनार भी देख लीजिए। सबके लिए फ्री रहेगा तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिनिमम पार्टिसिपेट का जो ये है वो 100 तक ही है। तो जिनको भी करना है मैं यहाँ पे लिंक दूंगा और लिंक के देके और मुझे जो मेरा वीडियो ये सॉरी जो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आपका नाम देना तो वो एक मैं ग्रुप में आपको ऐड करूंगा और सबको मैं लिंक दे दूंगा वो वीडियो का। यहाँ पे ये वीडियो के नीचे भी मैं उसका एक लिंक दे दूंगा और ज्यादा से ज्यादा 100 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों हम लोग फिर से आते हैं और जो है कि निफ्टी को देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत शानदार जो है कि निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया। यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल हम लोग देखेंगे क्या कर सकता है। नेक्स्ट जो ऊपर वाला लेवल है 8898 वही है और नीचे का जो सपोर्ट के ऊपर अभी क्लोज हुआ है 8555 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो थोड़ा हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे 5 मिनट में देखेंगे कि कैसे ये लेवल वर्क किया था। तो देखिए जब भी ये पहला लेवल था जिसको मैंने कल कहा था कि उसके ऊपर बाय करना है वो था 8377। तो देखिए कि पहला दूसरा और तीसरा कैंडल तो 3 कैंडल आपको देखना है शुरुआत में। तो यहाँ से तीसरा कैंडल ने पहला कैंडल के ऊपर क्लोज दिया तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन हुआ बाइंग का। मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया फिर से 8555 की इधर एक है कि दो बार मार्केट यहाँ से आ गया। नीचे एक बार आया था लेकिन इसके ऊपर नीचे सस्टेन नहीं हुआ और ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अभी कल के लिए जो इम्पोर्टेंस लेवल रहेगा इंट्राडे में वो तो ऊपर वाले 8898 है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नजदीक वाला आपको लेवल बताऊँ तो यहाँ पे इंट्राडे में मैं आपको एक नजदीक वाला लेवल दूंगा कि ये लेवल रहेगा 8750 पकड़ लीजिए 8748 के आसपास आता है। 8750 के ऊपर अगर जाता है इंट्राडे में एक बाइंग मिल सकता है। नेक्स्ट बाइंग 889 के ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग यहाँ पे मिल सकता है। फिर से 8555 जो है उसके नीचे जाता है तो एक नेगेटिव होगा तो इसके नीचे आप थोड़ा सा एक शॉर्ट के लिए देख सकते हो। इसके बाद 8377 ये लेवल आ सकता है। तो और जो मार्केट का जो ब्रेक था ये थोड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या थोड़ा साइडवेज हो रहा है मैं एकदम कंफर्म पॉजिटिव नहीं बोलूंगा। 8898 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो जो गिरावटी आप कोई भी देख सकता है जो एनालिस्ट भी नहीं ज्यादा अच्छी तरह वो भी बता सकते कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा एक बॉटम बना रहा है और साइडवाइज जा रहा है। लेकिन देखो मार्केट जैसे कि जो कि फंडामेंटल ड्रिवन है तो वो मार्केट को कल हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अगर इसका जो है कि वायरस का कोई केस बढ़ जाएगा ये हो जाएगा तो इसलिए टेक्निकली यहाँ पे एक फॉर्मेशन अच्छा बना रहा है ये मैं बता रहा हूँ। और थोड़ा सा ये व्यू है मेरा जो कि नेगेटिव कंप्लीट था उससे थोड़ा एक साइडवेज हो गया। तो आप यहाँ पे लेवल पे ट्रेड करते जाओ कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा कवरिंग किया है। देखिए कि अपना एक लेवल था टॉप पे वो लेवल दिया और नीचे भी अपना लेवल सब उसने बहुत अच्छी तरह
यहाँ पे ट्रैक किया है। अभी नेक्स्ट जो है कि बैंक निफ्टी में अगर अच्छा ये लेवल चाहिए 20,552 के ऊपर अच्छा बाइंग हो सकता है, सेलिंग के लिए 19,392 के नीचे यहाँ पे हो सकता है सेलिंग। थोड़ा इंट्राडे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, हमारे लेवल जो है कि देखिए कि जो मैं कल यहाँ पे क्लोज हुआ था तो लगभग 18,800 का लेवल मैंने बाइंग के लिए दिया था। उसके ऊपर जाने के बाद देखो सस्टेन कैसे हुआ, जो मुझे पूछते रहते ना कि सस्टेन मीन्स क्या सर, एक बार ये ऊपर जाने के बाद एटलीस्ट ये लेवल को होल्ड करना चाहिए, ये तो क्या होता है एक दो कैंडल ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आ जाता है। यहाँ पे सस्टेन करके कंप्लीट जितने भी ऊपर के लेवल थे देखिए परफेक्ट उसको लेवल को कैसा इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे में अगर एक एक लेवल होता है तो एक बार किया दो बार किया तो ये नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तो और भी प्रॉफिट आप सोचना पड़ोगे, यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट दिया और कितना देगा। तो अगर ये समझ गया तो ये मैं पूरा क्लास में सीखा था, वो ये समझ गया तो आपका इंट्राडे का प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। तो मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया जो कि बैंक के जो लेवल है बैंक निफ्टी के वो आप फॉलो करो। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री मैंने कल भी ये किया था एनालिसिस किया था, आज उसका इतना अच्छा मूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि देखिए एक पहले दिन इतना चलने के बाद इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ज़्यादा मूवमेंट करें। तो कल भी 1106 के ऊपर इसमें बाइंग का कॉल हम लोग ले सकते हैं, सेलिंग के लिए 1061 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं। हमने एशियन पेंट के बारे में देखा था तो एशियन पेंट जो अपना लेवल था उसे थोड़ा ऊपर गया। भारतीय एयरटेल बहुत ही अच्छा जो कि कॉल निकला जो मैंने कल निकाला था, तो बहुत ही अच्छा इसमें जो कि प्रॉफिट हुआ होगा अगर इसमें आपने लॉन्ग किया होगा। HDFC बैंक के बारे में मैंने बताया तो HDFC बैंक भी देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम किया यहाँ पे, तो आई थिंक HDFC बैंक कल भी आप देख सकते हो। तो HDFC बैंक अगर कल फिर से 938 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक बाइंग का मौका आप देख सकते हो। देन HDFC तो ओनली HDFC भी ये देखो कि बाइंग लेवल जाने के बाद बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम किया, लेकिन यहाँ पे जो आखिर में थोड़ा सा ये सेलिंग है तो कल इसमें मुझे नहीं लगता कि बाइंग आ सकता है। डॉक्टर रेड्डी भी हमने किया था लेकिन डॉक्टर रेड्डी में एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे आ गया तो कंपेरेटिवली इतना अच्छा नहीं चला डॉक्टर रेड्डी। SBI जो है कि ये पे देखो अपना एक लेवल दिया है उसके ऊपर से ये निकल आया, तो हम लोग इंट्राडे में देखते क्या हुआ। तो देखिए इंट्राडे में एक बार ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे ऊपर जाके सस्टेन नहीं हुआ तो ये कोई कॉल नहीं बना, लेकिन कल भी अगर 199 जो यहाँ पे 200 है 200 के ऊपर सस्टेन होता है तो कल भी आप SBI में आप ट्रेड कर सकते हो। कोटक बैंक देखिए कि कोटक बैंक का कॉल हमने निकाला था तो बहुत अच्छी तरह यहाँ से ये करने के बाद नेक्स्ट टारगेट भी उसने दिया। कोटक बैंक कल के लिए भी आप 1394 के ऊपर आप इसमें एक बाइंग का मौका देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कल के लिए देखा LNT, तो LNT एक अच्छी ये दो दिन रिकवरिंग कर रहा है और एक इम्पोर्टेंस लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर कल फिर से यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ तो ये लेवल रहेगा 844 के ऊपर अगर जाता है तो एक आपको अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, पहला टारगेट कम से कम 878 के आसपास आ सकता है। तो बाइंग के लिए आप LNT देख सकते हो। कल हीरो मोटोकॉप भी एक अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है 1841 के ऊपर, इसमें आप बाइंग कर सकते हो। तो ये लेवल थोड़ा लंबा है लेकिन देखो कि लेवल पे बेट करना ही अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि एवरी ट्रेड हमको कल का हाई के ऊपर ही अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस बैंक, तो देखिए इंडस बैंक में इतना अच्छा मोमेंटम आ गया, इतना ऊपर गया इंट्राडे में देखो कुछ आई थिंक ये सर्किट लगा के यहाँ पे ऊपर गया। तो येस बैंक का जैसे कि लास्ट मंथ में बहुत धुलाई हुआ था और ये धुलाई के कारण आज जो कि एक्सपायरी था मंथली, तो मंथली एक्सपायरी के बाद इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आया, सबने जितने भी देखे कि ऊपर से लोग कितना शॉर्ट किया हुआ है पूरे गिरावट में, तो आज तो बाइंग करेंगे मंथली एक्सपायरी में, तो ये शॉर्ट कवरिंग में ऊपर आया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जेन्युइन बाइंग है, फिर भी अगर इसका जेन्युइन बाइंग होगा या फिर कुछ एक और एक उसको बाउंस मिलेगा तो वो मिलेगा 477 के ऊपर, क्योंकि ये नजदीक वाला हाई है। तो इसके ऊपर अगर आपको एक ट्रेड मिलता है इंट्राडे में तो आप देख सकते हो इंट्राडे के लिए ट्रेड, बट ये कम्प्लीटली मुझे ये जो है कि शॉर्ट कवरिंग लग रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक में एक्सपायर के दिन एक शॉर्ट कवरिंग होता है, यहाँ पे इंट्राडे में भी कुछ अपर सर्किट लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रासिम, तो ग्रासिम में मुझे एक अच्छा मोमेंटम लग रहा है कि अगर मैं दूर का ये देखूँ तो बड़े दूर का ये जो था कि एक सपोर्ट था, बाद में ये नीचे आने के बाद यही लेवल अभी रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करके जाता है जो लेवल है
483 इसके ऊपर जाता हो तो यहां पे एक बाइंग बन सकता है। दो दिन इसमें पॉजिटिविटी आ रहा है तो तीसरे दिन भी एक पॉजिटिविटी दे सकता है। तो दोस्तों इतने कुछ स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल लेवल से, ऐसा नहीं कि कल मार्केट ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे आपको इसमें ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। और ऑलरेडी जैसा मैंने आपको कहा है कि मार्केट का जो कि वॉलेटिलिटी है बहुत है। देखिए आज निफ्टी भी 323 पॉइंट ऊपर गया, जैसे नीचे भी जाता है मार्केट वैसे ऊपर भी उतने जोर से आता है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट जो कि कूल डाउन नहीं होता है तो आपको एक ट्रेड लेने में थोड़ा सा रिस्क बढ़ा रहेगा, तो आपको कम ट्रेड में कम क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेना है। और नेक्स्ट की जैसा कि जिनको भी मेरा फ्री ट्रेनिंग अटेंड करना है तो आने वाले सैटरडे लगभग 6 बजे के पास मेरा वेबिनार रहेगा। जिनको भी लाइव वेबिनार मेरा अटेंड करना है जूम के ऊपर, उसका मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो अटेंड करें। जिनको मेरा ऑनलाइन क्लास करना है ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अटेंड करें तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।